कोई ग्लोबल नेता नहीं, ऐसे ही ग्लोबल नेता आप अपने मन से कहते रहे ग्लोबल नेता, कहां के ग्लोबल नेता बने हैं? ये हो गए काम इनके रहते हुए इस देश में महिलाओं के साथ। कितने राज्य हैं? एक राज्य में उत्तर प्रदेश में कितने कांड। मणिपुर 15 साल से इनका शासन है, मुख्यमंत्री इनका है। अबे रोना आता, देश के लोग रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, मगर ये बदतमीज लोग हैं, बेशर्म लोग हैं। ग्लोबल ग्लोबल मत करिए ऐसे बातें, ऐसे प्रधानमंत्री लिए ऐसी शोभा नहीं देता, कुछ नहीं कर पाते, ये बर्बाद कर रही देश को। एजुकेशन पे GST, शर्म करो, एजुकेशन पे 18% GST, कफन पे GST, पनीर पे GST, दूध पे GST। यह सरकार, यह चाहते हो आप? ऐसी सरकार चाहते हो? कफन पे मरने के बाद भी आमनी कोई भी दोस्त भी होगा भी कफन डाल जाता है, और आप कफन पे भी टैक्स लोगे? मैं हूँ जो कुछ मैं हूँ, याद है ना? बकरा करता मैं करता, खुद गर्दन उसकी करती। और इस देश में झूठा राज, आप झूठे बन के राज कर रहे हो हैं? ये देश के साथ झूठ मत बोलो, फ्रेम मत करो, जुमलेबाजी मत करो जुमलेबाजी। EVM की सरकार है, EVM की सरकार EVM से जीती है, पब्लिक से नहीं। नहीं आएंगे मोदी, घर बैठेंगे घर पे तिरंगा फहराएंगे। तो आज आप यहाँ पे इतने सारे मुद्दों के साथ क्यों आए अरुण मलिक जी? पहले तो सबसे पहले जितना भी सोशल मीडिया है, नेशनल दस्तक, जनहित, सबको मेरी नमस्ते। ये 10 साल में लोगों की जो जिंदगी थी, आंसू भरी जिंदगी जी रहे हैं लोग 10 साल से, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। इस सरकार में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। युवा बेरोजगार घूम रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं, तानाशाही का रवैया, मन मर्जी से सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी। तो लोग जो परेशान हैं किससे? महंगाई से, बेरोजगारी से, अत्याचारों से। उनको कुछ सूझ नहीं रहा कि हमारा भविष्य क्या है, उनको कुछ भविष्य नजर नहीं आ रहा, सारा उनको जो भविष्य है अंधकार में है। वो पढ़ाई कर रहे हैं, किस बात की पढ़ाई कर रहे हैं? वो सोचने पे मजबूर हैं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, हमें आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ना हमें नौकरी मिलेगी, ना हमें कोई कुछ आगे होगा, तो सोचने पे मजबूर है, परेशान है। इस सरकार ने उनके माथे पे तनाव दिया, तनाव ही तनाव है इस सरकार के रहते, हर युवा हो महिला हो तनाव देती है सरकार, कोई खुशखबरी नहीं है सरकार में। मलिक जी, सरकार का तो कहना है कि पिछले 10 सालों में महिलाओं के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में कई सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली बहन योजना, और भी नहीं जाने कितनी योजनाएं जो हैं महिलाओं के विकास के लिए वो पिछले 10 साल में लाई है, जो कि कांग्रेस के टाइम पे नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कौन सी योजना काम कर रही है इनकी? इनकी आई थी उज्ज्वला योजना, आई है ना, याद होगा उज्ज्वला योजना, सारे पेट्रोल पंपों पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी कि चूल्हा तो घर की महिलाएं चलाती हैं, और पेट्रोल पंपों पे उज्ज्वला योजना मोदी जी ने अपनी फोटो लगा रखी है। चूल्हा लेडी चलाती हैं घर में, या स्टोव गैस, लेकिन मोदी जी को दिखा रहे हैं कि उज्ज्वला योजना। और इनको वो संबित पात्रा याद होगा आपको, जो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, जिनको लहजा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, जब वो चुनाव लड़े थे उड़ीसा से, तो एक घर में गए तो फूक खुद मार रहे थे, खुद फूके मार के, तो उनसे पूछा उज्ज्वला योजना कहाँ गई भाई, वो सिलेंडर कहाँ चले गए? इनकी कोई भी योजना मुझे बता दो कारगर साबित हुई हो, कोई भी योजना की कारगर साबित नहीं हुई, प्रूफ दिखाओ मुझे, बोलने से कुछ भी बोल दो, मैं तो कह दूंगा लाखों करोड़ों रुपया दे दूंगा, बोलने से क्या है, कुछ भी बोल दूं, दिखाइए सबूत दिखाओ। सरकार तो ये भी कह रही है कि हर साल वो करोड़ों रोजगार दे रही है, अग्निवीर योजना चला रही है युवाओं के लिए, वो तो लगातार कह रही है कि हम हर साल जो है हर सेक्टर में रोजगार दे रहे हैं, तो लोग ऐसे घूम रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार ये कहते थे हर साल देंगे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ तो होना चाहिए रोजगार, कहाँ है? मुझे एक भी अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दे सरकार, किसी भी युवा का, किसी भी युवती का एक भी अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दे आपके कैमरे के सामने, तो मेरे को जो सजा दोगे आप मैं मानूंगा। एक भी अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दे किसी का भी, किसी युवा का या युवती का, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सरकारी कार्यालय में एक भी अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दे, या मंत्री दिखा दे कि उन्हें सिग्नेचर किया, या नोटिफिकेशन करके दिखाए कौन सा नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, कितने लोगों को हमने नौकरी दी है, कोई नोटिफिकेशन, कोई सबूत है इनके पास? दिखाएं, रखें ना ताकत, दिखाएं, क्यों झूठ बोलते हो यार, क्यों जुमलेबाजी करते हो, सच दिखाओ लोगों के सामने, सच आओ। मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार, कांग्रेस किस नारे के साथ जा रही है चुनाव में? कांग्रेस लोगों के विश्वास पे है, हम भविष्यवाणी नहीं करते। आपको याद होगा जब राजीव जी हम ओपोजिशन में थे, तो राजीव जी ने कहा था हमें लोगों ने चुना नहीं है, हम ओपोजिशन में बैठेंगे, हम ओपोजिशन में बैठे थे, इनकी तरह सरकारों को तोड़ा नहीं, खरीद फरोख्त नहीं करी, वो थे राजीव गांधी जी। तो ये तो क्या है, 400
मैं आने को आप मैं बता रहा हूँ ये चार भी नहीं आएंगी, और चार भी कौन से जीतेंगे जो वहां कांग्रेस छोड़ गए हैं वो जीतेंगे, इनका कोई व्यक्ति नहीं जीतने वाला, बीजेपी का एक भी व्यक्ति नहीं जीतने वाला, खुद प्रधानमंत्री नहीं जीतेंगे। ये वाराणसी से खड़े, इनकी जमानत भी जब्त होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमानत जब्त होगी, मेरी बात लिख लीजिएगा। आपको मोदी जी का ग्लोबल विकास नहीं दिखता है, ग्लोबल लीडर बन चुके हैं वो अपना विकास कर रहे हैं। देखे ना इनको, जब कमरे से निकलते हैं मेकअप करके निकलते हैं, है सूट वूट ये वो, अरे जो देखिए गरीब जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए वो बिल्कुल साधारण जीवन में निकलते थे, इनकी तरह नहीं, पहले चार घंटे मेकअप रूम में लगाना है, फिर जाना है, फिर पता लगा वो आगे कौन सी मशीन रखते हैं उसको देख के बोलना, खुद तो ये बोल ही नहीं पाते। कोई ग्लोबल नेता नहीं, ऐसे ग्लोबल नेता आप अपने मन से कहते थे ग्लोबल नेता, कहां के ग्लोबल नेता बने हैं? देखा मालदीव हमें आंखें दिखा रहा है, मालदीव हमें आंखें दिखा रहा है, मालदीव छोटा सा देश, वही मालदीव जो राजीव जी ने फौजें भेजी थी और हमने उसको सुरक्षित करा था, श्रीलंका को हमने सुरक्षित करा, आज वो मालदीव इनके रहते हमें आंखें दिखा रहा है। ग्लोबल ग्लोबल मत करिए ऐसे बातें, ऐसे प्रधानमंत्री ऐसी शोभा नहीं देता, कुछ नहीं कर पाते ये देश को बर्बाद करने से, इनको कुछ नहीं बर्बाद कर रही देश को, ग्लोबल अपना ग्लोबल देखते हैं कि मेरा ग्लोब ठीक है ना, मेरा चेहरा में जो ग्लोब है वो होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे भारत को, अगले कुछ सालों में जो है भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए, मुझे वो लिख के दिखा दे, 5 ट्रिलियन लिख के दिखा दे, मान जाऊंगा, कितनी सिफर लगती है कितनी जीरो लगती है दिखा दे लिख के, प्रधानमंत्री या उनके मंत्री ये लिख के दिखा दे कि 10 ट्रिलियन की कितनी जीरो लगती है, मैं मान जाऊंगा, नहीं बता पाएंगे वो 10 ट्रिलियन में कितनी जीरो लगती है, मेरे से पूछोगे मेरे सामने आए तब मैं बताऊंगा कितनी लगती है। ये बातें अपने पास रखें, अपने मंत्रियों को बताएं, अपने मंत्रियों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाते, किसी को आगे आने तो देते नहीं है, मैं हूँ जो कुछ मैं हूँ, याद है ना बकरा करता मैं करता, खुद गर्दन उसकी कटती है पहले। अरे काम करेंगे तो क्रेडिट भी तो लेंगे। काम नहीं मैडम, आप क्यों झूठी बात कर रहे हो, आप पत्रकार हो किस बात का काम करें, कहाँ देखा काम करते, जब देखो प्लेन में जा रहे हैं बैठे हुए हैं, बस कांग्रेस को कोसते रहते हैं, ओपोजिशन को कोसते रहते हैं, उसको कोसो इसको, आज मैंने क्या कहना, अरे नेहरू जी की बात चल रही है, अरे जो नेहरू जी थे आपके संविधान हमारे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, अरे आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, जो उन्होंने काम किया इस देश में, जो उनकी बुनियाद है ना बुनियादें, उस बुनियाद को ये नहीं हिला सकते, इतनी मजबूत बुनियादें जवाहरलाल नेहरू की और गांधी जी की, ये क्या कार्यकर्ता कहते हैं कि चाहे वोट बीजेपी को दो ना दो मोदी जी आएंगे, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, ईवीएम की ओर से चोरी बजारी से 140 करोड़ लोग जान चुके हैं कि बेईमानी, अब बेईमानी नहीं चलेगी, लिख लीजिएगा मेरी बात, खत्म होगी बेईमानी, लोगों ने 10 साल इनको झेला, 10 साल लोगों के काम धंधे सब बंद हो गए, व्यापारी परेशान थे। मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कल ही जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं किचन के लिए प्रति सिलेंडर 100 रुपए का दाम कम किया उन्होंने। अच्छा ये है, ये दिखाओ महिलाओं का ये काम है ना, ये है महिलाओं के काम, बताओ हमें रोना आता है, ये हो गए काम मिलकर रहते हुए इस देश में महिलाओं के साथ, कितने राज्य हैं, एक राज्य में उत्तर प्रदेश में कितने कांड, मणिपुर 15 साल से इनका शासन है, मुख्यमंत्री इनका है, अबे रोना आता है, देश के लोग रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, मगर ये बदतमीज लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, इनके कुछ नहीं है, हम चाहते हैं, हमारा दिल रोता है, देश रो रहा है इनको लाके, रो रहा है पछता रहा है कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए थी, गलती होगी लोगों से, जो फूल है ना ये जो कमल है ना देश कीचड़ की तरह अंदर जा रहा है, देश धरातल के अंदर जा रहा है। मोदी जी तो मोदी की गारंटी दे रहे थे विकास के लिए, किसकी मोदी की गारंटी है जिसमें देश की महिलाओं, देश उनकी अपनी गारंटी कोई है नहीं, किसकी गारंटी दे रहे हैं, रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, आज मैं गरीब आदमी को रेड़ी वाले को लेकर जाता हूं बैंक में, दीजिए इनको 10 लाख रुपए लोन, देगा है हिम्मत नहीं है, बातें छोड़ो, कहूंगा ये रेड़ी पटरी वाला है 10 लाख लोन दो, इसमें घर बनाना है, योजना कहाँ है घर बनाने वाली, नहीं है, मकानों को तोड़ रहे, गरीबों का घर तोड़ रहे, तो दे तो रहे नहीं लेकिन गरीबों के घर तोड़ रहे, गरीबों के मकान नहीं तोड़े, अवैध संपत्ति, अवैध संपत्ति नहीं है, देखो गरीबों के मकान दीजिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आज भी जो हमारे जो वाल्मीकि समाज है त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी में, आज भी जाओ आप उनके एरिया में, लोग याद करते हैं कि हमें ये मकान इंदिरा जी ने दिए थे, कितने साल हो गए इंदिरा जी को, लेकिन आज भी याद करते हैं क्योंकि वो काम दिखता है किया उन्होंने, इनका कहाँ दिखता है,
बस गोदी मीडिया बुला लिया, हाँ जी आइए जी, बस कैमरे में बोल दो मोदी जी ने विकास किया। कौन सा विकास किया? सड़क के नाम बदलने से, स्टेशन के नाम बदलने से विकास नहीं होता। मतलब आप कह रहे हैं कि मीडिया अखबार झूठ बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ गोदी मीडिया। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं करता। सोशल मीडिया आज अगर नहीं होता तो लोगों की जो बातें हैं ना उजागर नहीं होती। मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि मेन मीडिया उनको नहीं दिखाता है। अच्छा अच्छा, झूठ, ये भी झूठ, ये भी झूठ। 54 कैमरे दिखाए ना समुंदर में, तो उनको दिखाया नहीं। एक व्यक्ति फाइलें लेके जा रहा है लोगों को दिखाना झूठ मूठ की कार, रेड कारपेट समुंदर के अंदर जा रहा है, वो किसकी है, कौन है वो दिखाने वाले? सोशल मीडिया ने दिखाया या गोदी मीडिया ने? 54 कैमरे मिस्टर, 54 कैमरे पत्रकार महोदय, इस बात को आप जहन में रखिए। 54 कैमरे सिर्फ मोदी जी को कब नहीं दिखाया जाता, अब ये शौचालय जाते तब नहीं दिखाते होंगे, बाकी 24 घंटे कैमरे इनके ऊपर लगे रहते हैं। मीडिया तो सबकी है, कांग्रेस की भी है, बीजेपी की है, देखिए। लेकिन हम मीडिया को दोष नहीं देते, कभी भी, कभी नहीं देते। हम सिर्फ बात करें गोदी मीडिया की, जो बिकाऊ हैं, जो जेलों में रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करते थे, काली टाई काला कोड लगाने से कोई सच्चाई सच्चा नहीं पत्रकार बनता। तुम्हारी असलियत पता है ब्लैकमेलर, तुम जो 3 महीने जेलों में रहे सब जानते हैं। दिखाओ ना, दिखाओ, दिखाओ इसको, दिखाओ। मानू जाए कैमरा वहां, मोदी जी का तो कहना जाए, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है, सबका विनाश है। विकास किसी का नहीं, सिर्फ अपना विकास है, विनाश है, ये विनाश पुरुष है, विनाश पुरुष। ऐसी बातें मत करो, लोग छोटे छोटे देश हमें दांके दिखा रहे हैं, छोटे छोटे देश, जो मान सम्मान होता था। हमारा भारत सबसे शांति प्रिय देश है, नेहरू जी जाते थे, लोग करते थे, आगमन करते थे, ये जाते हैं, यही प्रधानमंत्री पत्रकार मोदी, आपको मैं, आपको तो पत्रकार हो जानते हो गए, यही प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, कह रहे थे मुझे तो शर्म आती है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मैं यहाँ पैदा हुआ, यही प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अरे जुबान फिसल जाती है, 70 साल उम्र हो गई है। मैं भी कहूँगा मेरी जुबान फिसल गई, मोदी जी जाइए घर जाइए, मैं भी कह दूंगा मेरी जुबान फिसल गई। आदमी जो राजनीतिक आदमी होता है, कभी मत सोचिए कि जुबान फिसल रही है, सोच समझ के इस दिमाग से बात करता है राजनीतिक आदमी, मेरी बात को याद रखना। ये मत कहो बचने के लिए गुनाह किया, बचने के लिए मेरी जुबान फिसल गई, बचने के लिए मैंने नशे में चाकू चला दिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, देश ऐसे नहीं चलता। मोदी तो लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनका लगातार ये कहना है। मैंने तो 1 घंटे 18 घंटे काम कर रहे होते तो ये कांड ऐसे ही हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं, किस बात का 18 घंटे? कहाँ कौन से दफ्तर में बैठे हो? इनकी कॉल डिटेल निकालो, फोन पे कॉल डिटेल निकालो, 18 घंटे प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे या नहीं बैठे, साउथ ब्लॉक में बैठे या नहीं बैठे। आप लोक कल्याण मार्ग, मैं तो भूल रहा था, इच्छा हुआ बात कर दी, लोक कल्याण मार्ग पहले क्या था, आसियार रेस कोर्स रोड, वहाँ राजीव जी भी होते थे, जनता दरबार लगता था, देश के लोग आते थे मिलते थे। लोक कल्याण मार्ग है, नाम ध्यान से सुनिएगा, लोक कल्याण मार्ग है, लेकिन लोग नहीं आते वहाँ। किसी राज्य के लोगों को देखा कि देश के प्रधान सेवक वहाँ मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, देखा? देखा आप गए लोक मार्ग, देखा अपने अंदर से? अरे बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाके जनता का हाल पूछ रहे हैं, ऐसे हैं। अब घर घर पता क्या बोले, भग जाओ, हट जाओ, भर जाओ, भग जाओ, ऐसे कहेंगे लोग, इनको नहीं करने, धिक्कार कर। 5 किलो तो आपकी रसोई में आपसे पैसा कितना जाता है महीने का मालूम है आपको? कि एक व्यक्ति 5 किलो गेहूं दे रहा है तो साल में कितना हो गया बताइए? एक परिवार में 10 लोग हैं, 5 किलो गेहूं खाएंगे, आटा चक्की में जाएंगे, पैसे आप देंगे या वो गेहूं कच्चा खाएंगे? अरे क्यों यार, कैसी नीति लाते हो? अरे बच्चे कम पैदा कीजिए ना, परिवार नियोजन लेके आ रहे मोदी जी। देखिए ऐसा है, लगातार जनता को सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन लीजिए मेरी बात, जन्म मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में है, आप कौन होते हो किसी को रोकने वाले जनसंख्या में? ये कुदरत की देन है, समझे? मत करिए ऐसी बातें आप, ये भगवान की देन है, शुक्र करो भगवान ने आपको पैदा किया, और इस देश में झूठा राज, आप झूठे बन के राज कर रहे हो, हैं? ये देश के साथ झूठ मत बोलो, फ्रेम मत करो, जुमलेबाजी मत करो, मत करो जुमलेबाजी, सच बताओ, सच बताओ। कह रहे हैं कि अब की बार मोदी जी ला दीजिए, सारे वादे पूरे हो जाएंगे। अच्छा पहले कौन से वादे पूरे हुए मुझे एक बताओ, आप बैंक में आपका अकाउंट है? 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 सेविंग कितनी है मुझे बताओ, है कोई सेविंग बैंक अकाउंट में? सेविंग है आपकी कुछ?
पैसा जमा किया, कोई बचा? एटीएम कार्ड लेके जाते हो तो जब पैसे निकालते हो वो भी टैक्स लग जाता है, डालते हो वो भी टैक्स लग जाता है। देखा ना आपने, आपका पैसा है और टैक्स ले रहे हैं। 18% एजुकेशन पे जीएसटी, शर्म करो, एजुकेशन पे 18% जीएसटी, जीएसटी कफन पे जीएसटी, पनीर पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी। यह सरकार, यह चाहते हो आप? ऐसी सरकार चाहते हो? कफन पे, कफन पे मरने के बाद भी आमनी कोई भी दोस्त भी होगा भी कफन डाल जाता है और आप कफन पे भी टैक्स लोगे? कमाल है भाई। मोदी जी का कहना है कि बाकी जो दल है राजनीतिक दल, वो परिवार की राजनीति करते हैं। हाँ। और वो जो है उनका परिवार जो है पूरा 140 करोड़ देश का परिवार है, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इनके परिवार में कौन है? राजनाथ सिंह जी बेटा विधायक है, गृह मंत्री जी नंबर 2, तड़ी पार सुप्रीम कोर्ट ने कहा तड़ी पार, मैं नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तड़ी पार व्यक्ति। मैंने एक दोस्त मिले थे आईपीएस, कहते हैं अरुण जी हमें शर्म आती है कि तड़ी पार व्यक्ति को मैं सलूट मारता हूँ। एक तड़ी पार व्यक्ति को आईपीएस सलूट मारता है, हमारे इससे शर्म बात क्या है? उनके बेटे बीसीआई के अध्यक्ष है ना, बैट नहीं पकड़ना आता लेकिन अध्यक्ष है, नो बॉल का नहीं पता लेकिन अध्यक्ष है। ये नहीं परिवारवाद? बताओ नहीं है परिवार। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, आज इलेक्शन घोषणा कर दो, वो सुंदरा जी शिवराज चौहान जी इसको पीएम नहीं बनने देंगे, क्योंकि इन्होंने उनको सीएम नहीं बनने दिया। देश के लिए उन्होंने अपना बच्चा पैदा नहीं किया भाई, पता नहीं है। तो मैं देखिए उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं ये नहीं कह सकता। जब उन्होंने घर ही छोड़ दिया, बीवी नहीं छोड़ दी, तो उनकी पत्नी से पूछो तो पर्सनल सवाल है, मैं क्या कह सकता हूँ? ये क्या है, इनमें कमियाँ होंगी कहीं ना कहीं, तो कमी होंगी तभी तो छोड़ दिया परिवार। ये झूठ मूठ की बातें छोड़ो कि मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने तपस्या की, मैंने ये किया, अरे कहाँ किया, कोई जगह तो दिखाओ यार, कोई कोई फोटो। देखिए मैं वो खेलता दौड़ लगाता था, आज भी मेरे पास फोटोग्राफ पड़े हैं, दिखा सकता हूँ। अरे कहाँ हुआ कोई तो यार फोटोग्राफ, कोई तो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे चलते थे ना, कोई तो फोटो कहीं तो सबूत होगा। जब आप ये सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, मैं समुद्र में जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वो पूरा विष्णु का अवतार मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तब कैमरे तो तभी तो कोई ना कोई कैमरे होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट छोटे क्लिक के कैमरे होते थे, मुझे याद आए क्लिक कैमरे होते थे, उससे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचे। कोई तो फोटोग्राफ दिखा दो भाई, आप मेरे से पूछो, मैं आपको आज से 40 साल पहले की फोटो दिखा सकता हूँ, स्कूल की भी, जो स्कूलों में फंक्शन होते वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इनके पास कुछ नहीं। तो इस देश विनाश की तरफ है, तो 24 में लोग समझ गए हैं और समझ जाएं, मैं तो अपील करूंगा। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और बीजेपी लगातार बहुत में आई, तो इस बार 2024 के चुनाव आप कैसे देखते हैं, कैसे रोकेंगे उनको आप? देखिए पिछले 2 बार ही आए ना वो ईवीएम की बेईमानी, मैं इनको बोलूंगा ईवीएम की सरकार है, या ईवीएम की सरकार ईवीएम से जीती है पब्लिक से नहीं, या खरीद प्रोकर से अपनी सरकार बनाई है, पब्लिक इनको नहीं। 100% मेरा सच है, नहीं आएंगे मोदी, घर बैठेंगे, घर बैठेंगे, घर पे तिरंगा फहराएंगे।